ये टू स्ट्रोक ऑयल का सिग्नल है, इंडिकेटर है, जो इसमें ऑयल ख़त्म हो गया है तो ये यहाँ पे रेड लाइट होती है कि इसमें ऑयल ख़त्म हो गया है। जब हम ऑयल डालेंगे उसके बाद ये इसमें लाइट होना बंद हो जाएगा। तो इसमें टूटी ऑयल मैंने ला के रखा है, वो हम डालेंगे अभी। ये वाला ऑयल मैंने लाया है रेसर ट्रू स्ट्रोक इंजन ऑयल। क्वालिटी कुछ खास नहीं है इसके पैकिंग से मुझे लग रहा है, और इसके ऊपर MRP 100 रुपीज़ है। 500 ml की बोतल है और पूरा पैसा लिया है मेरे से। HP लिखा हुआ है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बैजिंग तो है ऊपर, देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस देता है ये। तो इसको हम खोलेंगे, अभी इसमें ऑयल का टैंक है, टू स्ट्रोक ऑयल का। ये यहाँ पर इसके दो लॉक आते हैं, एक ये है और एक ये है। उसके बाद ये इसका टैंक है और ये बैटरी इसके अंदर मैंने बड़ी वाली लगवाई है, सेल्फ स्टार्ट बाइक में जो बैटरी आती है वो वाली, क्योंकि इसके हॉर्न वगैरह रेगुलर वो छोटी वाली बैटरी से अच्छे से नहीं बजते हैं। तो इसमें ऑयल, इसके अंदर ऑयल नहीं है, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक इतना सा है। इसके अंदर सील भी नहीं है, इसके ऊपर जो प्लास्टिक का सील था वही था, मुझे लगा अंदर और पेपर का ऐसा कुछ पैकिंग हुआ, लेकिन नहीं था। इंजन ऑयल जैसा कुछ दिखता है ये, दूसरी कंपनी का, हालांकि अभी देखते हैं इसका इंडिकेटर। ये बंद हो गया, जिसमें ऑयल आने के बाद यहाँ से रेड लाइट चली गई है। तो ये हाई बीम लो बीम का लाइट का इंडिकेटर है, मैं अभी इसको स्टार्ट करके देखेंगे कि इसमें कुछ चेंजेस आया है।